नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और इस बात की आशा करता हूं कि ये जो हमारा एक पावन पर्व था होली, इसे आप अच्छे से मनाए होंगे। ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार, और हमारा नया साल यहीं से शुरू होता है। और आशा करता हूं कि इस बार जो हमारा नया साल आए वो हमारे लिए नया हो और आपके लिए, आपके एक जिंदगी के मोड़ के लिए नया हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा, हमारी संस्था में सारे गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, यहां पर एक द्रोणाचार्य नहीं, कई सारे गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य बैच की शुरुआत कर दी गई है। भारी मात्रा में लोग इस बैच से जुड़ चुके हैं और बाकी जो नहीं जुड़े हैं आप जुड़िए, आपकी इच्छा है, नहीं तो हमारे यहां पर नीचे में फ्री टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन है जो कि फ्री है। आपको कोई भी डाउट हो तो यहां से, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको जानकारी चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स हो, आपको यहां से उपलब्ध हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि आपको हमारे एकलव्य बैच से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल व्हाट्सएप पर UPSI 2021 पर लिखकर आपको मैसेज कर देना है। और कोई भी समस्या हो बैच से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो सुबह से शाम तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारे डाउट, आपके सारी चीजें यहां क्लियर कर जाएंगी। खैर चलते हैं। जैसा कि हमने आखिरी क्लास में आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो मैंने यह सोचा कि क्यों बीच बीच से टॉपिक नहीं उठाना, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी टॉपिक को खत्म कर देना। इसका सबसे बड़ा रीजन जानते क्या, कि कई सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो सक्षम नहीं है, जो नहीं जुड़ सकते हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर वो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो आज ही वो पूरे बौद्ध धर्म को पढ़ लें और पूरे बौद्ध धर्म को वो समाप्त कर लें। इससे क्या होगा कि आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखेंगे आगामी समझने के लिए। तो जैसे आखिरी वीडियो जो हमारा अभी गया था एक दो दिन पहले, उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने आपको एक चीज बताई थी कि बौद्ध धर्म कैसे आया, कैसे उनको ज्ञान मिला वगैरह वगैरह चीजें थी। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया ज्ञान था क्या, समझने प्रयास करिएगा। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि भैया ऐसा क्या ज्ञान था जो उनको मिल गया और यहां हम लोग 5 साल से नाक रगड़ रहे हैं, सिलेक्शन तो छोड़ो ज्ञान ही नहीं मिल पाता। कुछ था नहीं, बात यह था कि गौतम बुद्ध को IAS PCS UPSI और लेखपाल नहीं देना था, राजा के बेटे थे, ठीक है, धन है तो धर्म है ये जान लीजिए। जितने भी नया धर्म की शुरुआत हुई वो किसी ना किसी राजा के बेटे ने किया है, तो धन है तो धर्म है। तो इनको जो ज्ञान था वो कुछ इस प्रकार का था, UPSI का बैच है, उसी लेवल में पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। देखिए, इनके 4 आर्य सत्य थे, आर्य माने होता है श्रेष्ठ, ठीक, वैदिक युग में मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4 आर्य सत्य थे। पहला था क्या, दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निवारण, और चौथा दुख निवारण मार्ग। जैसे समझिए इनको ज्ञान क्या मिला वही मैं बता रहा हूं, वो क्लास क्लास का ही आगे का कंटिन्यू वाला पोर्शन है। इनके 4 आर्य सत्य थे, दुख है, दुख का कारण, कहीं कहीं दुख निरोध भी मिलेगा, दुख निरोधी मार्ग भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, दुख निरोध या दुख निवारण कुछ भी आप कह सकते हैं, और चौथा दुख निरोधी मार्ग। तो ये क्या था, ये क्या था, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख है भाई, दुख है तो किसी ना किसी कारण से दुख है, पागल कुत्ता काटा तो नहीं कि हम दुखी बैठे हैं। जैसे आपके जीवन में दुख होगा, मेरे जीवन में दुख होगा, सबके जीवन में, आपके जीवन में दुख है क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपके दुख का कारण क्या है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप इस दुख से निकलना चाहते हैं, मतलब नौकरी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एकलव्य बैच से जुड़ेंगे, सफलता पाएंगे, तो वही मार्ग हो गया पढ़ाई करके दुख से निकलने का। अब ये अगर इनकी भाषा में कहा जाए तो इन्होंने दुख के कारण में 12 कारण बताए थे, ठीक, इन्होंने दुख के कारण में 12 कारण बताए, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण इन्होंने बताया वो क्या थी, अज्ञानता। यहां अज्ञानता मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ध्यान समझिएगा, यहां पर अज्ञानता पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, यहां पर अज्ञानता मतलब है सांसारिक मोह माया, जैसे पति पत्नी,
भाई बहन, माता पिता, घर द्वार, पैसा कौड़ी, नौकरी चाकरी, इन्होंने कहा ये सब दुख का कारण है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं। और मैं फिर से कह दे रहा हूं कि चैप्टर के फ्लो में आकर डिसीजन मत ले लीजिएगा कि गौतम बुद्ध सही कहे थे, अब हम भी नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, चल रहे सन्यासी बनने। नहीं, समाज है तो हम हैं और हमें जीने के लिए समाज में संबंध बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि संसार में जो कुछ भी है वो दुख का कारण है और मनुष्य अज्ञानी है और मनुष्य इस अज्ञानता के कारण इन सभी चीजों के पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए मनुष्य के अंदर दुख होता है। चलिए भैया कह दिए सही है, आप तो ठहरे भैया राजा के बेटे, सारी सुविधाएं थी। हम गरीब लोगों से पूछिए, फैमिली फार्मर फैमिली से पूछिए क्या होता है, हमारे पास हर दिन दुख के कारण होते हैं। तो दुख के कारण में इन्होंने अज्ञानता को बताया और यहां पर अज्ञानता मतलब हो गया सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह माया। अब यहां समझिए, इन्होंने कहा कि अगर आपको इस सांसारिक मोह माया से निकलना है, क्यों सांसारिक मोह माया, इनका कहना है कि एक दिन सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, जैसे सबकी मृत्यु हो जाती है, कोई चीज समान है आपके पास वो आपके पास हमेशा नहीं रहता है, वो कभी आपके पास रहेगा कभी किसी और के पास रहेगा। तो इनका ये कहना था कि संसार में जो कुछ भी है वो क्षण भर के लिए है, इसीलिए इनका जो सिद्धांत कहलाया गौतम बुद्ध के, एकदम एक ही वे में आपको हम पढ़ा देंगे, इसीलिए इनका जो सिद्धांत कहलाया वो सिद्धांत इनका था क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग बिहार एसआई वगैरह दिए होंगे तो चार सवाल यहां से आया ही होगा आपको। इन्होंने कहा कि भैया तुम अज्ञानी हो, तुम ये दुख के कारण में पड़े हो, मोह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इस दुख के कारण से निकालूंगा। तो इसी दुख के कारण से निकालने के लिए इन्होंने दुख निरोधी मार्ग लाया और इसी में आठ मार्ग था जिससे आप दुख से निकल सकते हैं, और इन आठों मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। किस मार्ग के नाम से जाना गया? अष्टांगिक मार्ग के नाम से। ये आठों क्या क्या है जरूरी नहीं है ना आपके लिए मेरे लिए। तो भैया अब हमें ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के बाद हमें कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है ना भाई, कि अष्टांगिक मार्ग का हम पालन करेंगे तो हम कैसे दुख से निकलेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इनके जो त्रिरत्न थे गौतम बुद्ध के, यहां समझिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गौतम बुद्ध के यहां पे जो त्रिरत्न थे वो थे बुद्धम धम्मम संघम। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के पास जाइए, उनके धर्म का ज्ञान लीजिए, उनके संघ का हिस्सा बन जाइए। ठीक, पूरी दुनिया जानता है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आए कहां से, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहां समझिए, अष्टांगिक मार्ग में जो पहले दो मार्ग थे उसको प्रज्ञा कहा गया, मध्य तीन मार्ग जो था उसको शील कहा गया, और शेष तीन जो थी उसको समाधि कहा गया। समझते जाइए, समझते जाइए, ध्यान दीजिए, मुझ पे नहीं, यहां पर ध्यान दीजिए, पीछे मेरे बाल नहीं है, मुझे पता है पीछे देख रहे होंगे सर पीछे से टकले हैं, यहां ध्यान दीजिए। प्रज्ञा मतलब किसी चीज की शुरुआत, बुद्धम मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत, सील मतलब किसी चीज का स्थायित्व में आना, समाधि मतलब मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न है प्रज्ञा सील समाधि, ये हमारे हैं हमारी भाषा में अष्टांगिक मार्ग से, और इन्हीं को त्रिरत्न कह दिए हैं गौतम बुद्ध, बुद्धम धम्मम और संघम। मतलब आपको मोक्ष पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा, और अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं तो इन त्रिरत्नों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। यही इनका ज्ञान था। यहां से आपको दो सवाल बन सकते हैं, जैसे पहला सवाल बनेगा कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था, तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्षणिकवाद था। यह आपको बनेगा कि गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्धम धम्मम और संघम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया क्या हुआ कि इनको ज्ञान मिल गया, अब इनको ज्ञान मिल गया तो भाई ये ज्ञान का प्रचार करेंगे करेंगे। फेसबुक व्हाट्सएप तो था नहीं पहले, कि फेसबुक व्हाट्सएप ही चला लेते, अब उस पर अपडेट कर देते, आई हैव मेड न्यू धर्म इट्स बौद्ध धर्म, और सब उनके फॉलोअर बन जाते, ऐसा तो था नहीं भाई। घूम घूम कर इनको प्रचार करना था, तो इन्हें जब घूम घूम कर प्रचार करना था तो जैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहां पर इनका सम्मान होता था,
इनके साथ जो इनके वो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनके रुकने के लिए व्यवस्थाएं होती थी और उन व्यवस्थाओं को बौद्ध विहार कहा जाता था, और इन लोगों को इनके रहने के लिए बौद्ध विहार और पूजा पाठ के लिए जगह दी जाती थी जिसको चैत्य कहा गया। इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं के आरामगाह को बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षुओं के पूजा घर को चैत्य कहा गया। बहुत जगह घूमे, बहुत जगह धर्म का प्रचार किया, लेकिन इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां से अक्सर सवाल आपको बनते हैं। जैसे पहला जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल था वो था वैशाली। समझिए, वैशाली लड़की का नाम नहीं है ना, ना फीलिंग में मत आइए, वैशाली जगह का नाम है। ये जो वैशाली है, वैशाली, यहां पर इन्होंने क्या किया कि पहले बौद्ध संघ में महिलाएं नहीं थी, ठीक, पहले बौद्ध संघ में महिलाएं नहीं थी, सिर्फ पुरुष रहते थे। तो इनका एक शिष्य था आनंद। आनंद थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्लोज वाला था, जैसे बचपन में होता है ना स्कूल में हम रजिस्टर लेके चले जाते हैं ना, मैडम के नंबर बढ़ा दीजिए टेस्ट में, वैसे आनंद ना थोड़ा सा मतलब वो था, फीलिंग टाइप वाला था। आनंद ने इनसे कहा कि हे प्रभु, संघ में लड़कियां भी होनी चाहिए, महिलाएं भी। गौतम बुद्ध ऐसे देखे उसको, कहे माने, कहे सर होनी चाहिए ना थोड़ा सा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हे आनंद, जो तुम कर रहे हो ना बर्बाद कर दोगे मेरे संघ को। अगर मेरे संघ की आयु 1000 वर्ष है ना, तो ये जो तुम अपना क्रियाकलाप बता रहे हो इसको करने से मेरे संघ की आयु 500 वर्ष हो जाएगी। आनंद कहा, गुरु जी ऐसा नहीं होगा। कहन होगा बेटा, ऐसा ही होगा। अब संघ में महिलाएं रहेंगी तो आकर्षण बढ़ेगा ना, साइड साइड से देख लेंगे ऐसे करके, बढ़ेगा आकर्षण, बढ़ेगा। दूसरी चीज, आनंद बेटा, हम धर्म का प्रचार घूम घूम के करते हैं, कभी जंगल में डाकू मिल गए तो हम स्त्रियों की रक्षा कैसे करेंगे, इनको सिक्योरिटी कैसे देंगे। बेटा हम लोगों को प्राइवेसी नहीं चाहिए, लेकिन महिलाओं को प्राइवेसी चाहिए। तो इसलिए आनंद ने तब भी कहा, नहीं गुरु जी रखिए ना, मजा आएगा, रखिए ना, महिलाओं को रखिए, मजा आएगा। कहें चलो इतना जिद कर रहे हो तो रख देते हैं। तो वैशाली में गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपने संघ में महिलाओं को हिस्सा देना प्रारंभ कर दिया। आनंद एकदम फूल के गुब्बारा हो गया। और इनके संघ में हिस्सा लेने वाली महिलाएं थी क्रमशः गौतमी प्रजापति, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, बाद में सुद्धोधन ने शादी कर लिया। गौतम बुद्ध की बहन थी नंदा, गौतम बुद्ध की बहन थी नंदा, फिर थी इनकी पत्नी गौतम बुद्ध की, कहें जब पति हुआ है तो हम अकेले महल में क्या करेंगे, यशोधरा, ठीक। इसके बाद थी हर्यक वंश के शासक बिंबसार की पटरानी खेमा या खेमा, मतलब कई सारी रानियां थी, तो जो मुख्य रानी था ना वो थी खेमा या खेमा, जैसे कृष्ण भगवान के बहुत सारे मतलब थे ना गर्लफ्रेंड, लेकिन प्रमुख राधा थी, भले शादी रुकमणी से किए, तो उसी प्रकार बिंबसार की पटरानी थी खेमा खेमा। तो पहला महत्वपूर्ण स्थल जो निकल के आया वो था वैशाली, जहां पर आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को हिस्सा देना प्रारंभ कर दिया। भैया ठीक है, अब वैशाली से आगे बढ़ेगा, समझिए, वैशाली से आगे बढ़ेगा, पहुंचे श्रावस्ती। गौतम बुद्ध का, यार देखो हम अब बुढ़ा गए हैं, देखिए मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं पढ़ने के तरीके को सिर्फ ऐसे करता हूं, इतिहास बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बट आई वांट टू मेक इट अ रोचक सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, गौतम बुद्ध कहे हम बहुत बुढ़ा गए हैं और श्रावस्ती का माहौल अच्छा है, हम यहीं रहेंगे ज्यादा दिन। सब कहे ठीक है गुरु जी, जैसे आप कहिए, आप गुरु हैं, जो कहेंगे हम करेंगे। तो इसीलिए श्रावस्ती में अपने जीवन का सर्वाधिक समय, ये बहुत पूछा जाता है, पिछली बार भी एसआई में आपके ये सवाल आया हुआ था, 25 वर्ष सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किए, यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिए, भाई ज्यादा दिन रहेंगे तो ज्यादा पकड़ पकड़ करेंगे, और यहीं पर सर्वाधिक इनके अनुयायी बने, तो सब लोग ज्यादा लोग इनके पकड़ पकड़ सुन के सर्वाधिक अनुयायी भी इनके यहीं बनेंगे। तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक समय व्यतीत किया, यहीं पर सर्वाधिक उपदेश दिया और यहीं पर इनके सर्वाधिक अनुयायी बने। वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन मैं मेन मेन आपको बता रहा हूं।
यहां से आगे बढ़े पहुंचे पावापुरी। पावापुरी में इनका एक बहुत प्यारा शिष्य था, चुंद, चुंद नाम था, चुंद चुंद बाजे वाला था, ठीक है। वो सोनार भी है, किसी किसी किताब में लोहार भी मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चुंद ने इनको ना प्यार से कहा, महाराज खा लीजिए, भगवान खा लीजिए। अब वो था सुक्रोध माधव, मतलब सुअर का मांस। अब इसमें कई लोग कमेंट करेंगे, नहीं सर मशरूम था, मशरूम था, मशरूम था। मेरे बाबू, मेरे राजकुमारों, मेरे राजकुमारियों, समझिए इस बात को। सुक्रोध माधव था, सुअर का मांस था, मशरूम नहीं था। ये भगवान है, इसीलिए इनकी गलती को छुपाने के लिए लोग ऐसा लिख देते हैं। अब ये बताइए कि कृष्ण की 16,000 रानियां थी, कृष्ण भगवान की इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी, हम लोग 5-6 रख लें तो फिर बेवफा हो जाएंगे, तो यही मतलब है, ठीक है। भगवान है, गलती नहीं दिखाते। तो चुंद जो थे वो सुक्रोध माधव दे दिए, कहे ऐसा है नहीं मेरा, मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, बात बता रहा हूं, ये सेम उनके लिए भी अप्लाई होता है, समझाएंगे। कन खा लो, कन लाओ, खाई ली, खाने लगे, खाने लगे। उनको गौतम बुद्ध को पेचिस पड़ गया, हजम नहीं हुआ, इतना दिन नॉनवेज खाए नहीं थे, अचानक से खा लिए। तो पावापुरी में चुंद नामक सुनार, कहीं कहीं लोहार भी मिलता है, चुंद नामक सुनार के हाथों से इन्होंने सुअर का मांस ग्रहण कर लिया। और जब सुअर का मांस ग्रहण कर लिया तो इनकी तबीयत उसी समय खराब हो गई, उम्र हो ही चुकी थी जाने की। और वो कहें कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे यहां से ले चलो। सब इनको उठाए और इनको उठाकर पावापुरी से लाए कुशीनगर। कहीं कहीं कुशीनारा भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुशीनारा मिलता है। इनको कुशीनगर लाके आए। अब इनको एहसास हो गया कि अपनी जिंदगी खत्म है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, सुभद्र को। उन्होंने कहा, ए सुभद्र, यहीं आओ, देखा हम बचेंगे नहीं बेटा, पेचिस मेरे नहीं, उनको पड़ा था, हम बचेंगे नहीं। अब हम तुमको जो उपदेश बता रहे हैं यही सुन लेना, और यही तुम इसको प्लीज फॉलो करना। अब हम चल रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिए, सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिए, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और खास बात क्या है, कुशीनगर और पावापुरी दोनों मल्ल गणराज्य में है, महाजनपद के, यहीं पर इनकी कुशीनगर में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ी खास बात क्या है मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि गौतम बुद्ध की जो अस्थियां भी रखी गई हैं, गौतम बुद्ध की जो अस्थियां रखी गई हैं वो भी कुशीनगर में रखी गई हैं। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध की अस्थियां कहां हैं, तो गौतम बुद्ध की अस्थियां कुशीनगर में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसआई से, ये चारों स्थल इनके लिए, इनके जीवन में क्या था, महत्वपूर्ण था, ठीक। अब चले, अब देखिए, हो गया इनका ज्ञान भी, हो गया इनका उपदेश भी, हो गया। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ये कहीं जाते थे तो इनके साथ जो लोग रहते थे, तो गौतम बुद्ध को आराम करने के लिए एक जगह दी जाती थी जिसको बौद्ध विहार कहते थे, और इनके पूजा घर को चैत्य कहा जाता था, ठीक। लेकिन क्या है कि उस समय रेन ऑन कोट था नहीं, रेन कोट, ठीक है, कार भी नहीं थी, तो जब पानी बरसता था तो बेचारे कहां जाएंगे, केहचा कहांची में उस समय, अभी तो पक्की सड़क, पहले बहुत केहचा हो जाता था, केहचा माने कीचड़। तो ये क्या करते थे कि कहते थे, यार जब तक बारिश हो रही है यार, हम लोग कहीं आराम ही कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध वर्षा काल को छोड़कर शेष वर्ष अपने धर्म का प्रचार करते थे, और इन्होंने अपना सर्वप्रथम वर्षा काल सारनाथ में ही व्यतीत किया। तो ये तीन पॉइंट हम पहले लिख देते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में इससे सवाल आता है, ठीक है। बौद्ध विहार, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का आरामगाह, बौद्ध भिक्षुओं का आरामगाह। दूसरा है चैत, चैत क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर। उसके बाद मैंने क्या कहा, वर्षा काल को छोड़कर, वर्षा काल को छोड़कर शेष वर्ष
अपने धर्म का प्रचार करते थे। और सर्वप्रथम वर्षा काल सारनाथ में बिताया। आइए अब इसके बाद करने की क्या बात है, ये बहुत लकी थे, विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं ना, नौवां अवतार ये थे गौतम बुद्ध। तो एक दिन होता था बैसाख पूर्णिमा, हम बहुत लात खाए थे घर पे, एक बार झूठे बोल दिए कि पापा आज बुद्ध पूर्णिमा है हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो पापा गए ही देखा आज बुद्ध पूर्णिमा है, मार फटाफट 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 बहुत मारे थे, ध्यान दीजिए ये सब यहाँ बताना अच्छा नहीं है, लेकिन हर पिता अपने बच्चों को प्यार करता है इसलिए मारता, नहीं तो दुनिया में बहुत लोग लोपड़े घूमते रहते हैं क्या मतलब है। तो वैशाख पूर्णिमा एक दिन था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या हुआ कि इनका जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान भी मिला और इसी दिन ये चल भी बसे, मृत्यु भी हुई। एक दिन में नहीं हो गया, साल में एक बार आता है वैशाख पूर्णिमा, नहीं तो कहेंगे एक साल में कुल हो गए, मतलब वैम्पायर नहीं थे ये, गौतम बुद्ध थे ये। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का नाम बदलकर बुद्ध पूर्णिमा रख दिया गया। तो अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु हुई थी, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। देखिए मेरा एक फ्रेंड है, तो उसे कई लैंग्वेज आता है, उसने सीखा है, आप समझिए आप किसके लिए सिखाओ। एक दिन वो कहा उस्ताद दो मरा दो, हम डिस्टर्ब हो गए, उनके ये क्या कह रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। तो अब भैया इनके समय भी कुछ भाषा रही होगी उस्ताद दो मरा दो टाइप में, तो इनका क्या था कि गौतम बुद्ध जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे वो वहां की स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल स्थानीय भाषा का फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ही कहें, हम अपने घर मतलब हम अपने गांव जाएं, अगर अपने गांव में जाकर ही कहें हो व्हाट्स गोइंग ऑन ब्रो आज क्या यो यो यो, तो सब कहेंगे देखो पगला गवाहेगा अगर निकला यहां से, अगर मैं वहां जाकर कैसे कहूंगा और भैया ठीक है हाँ पढ़ाई लिखाई चलता है सब बढ़िया बा, तो वो कहेंगे कि यार देखो अच्छा लड़का है समाज समझा दे रहा है। तो उसी प्रकार कि जितने भी धर्म का प्रचार हुआ उन लोगों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, और गौतम बुद्ध के प्रचार की भाषा क्या थी, बौद्ध धर्म के प्रचार की भाषा, ठीक है बौद्ध धर्म के प्रचार की भाषा पाली थी, काली नहीं पाली थी, ठीक याद रखिएगा बहुत पूछाता है। अब क्या है इन सब बातों के अलावा जो अगली सबसे बड़ी बात, जहां से सवाल अब आजकल पिछले एक दो साल से अक्सर पूछा जा रहा है, इनके जीवन की कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जिसको अलग अलग चीजों से इंडिकेट करता है किया जाता है। जैसे ये इधर जो मैं बताऊंगा वो अलग है वो हमारी भाषा में, और इधर जो बताएंगे वो पाली भाषा का सिस्टम था, ठीक इधर अलग है और इधर अलग है। जैसे समझिए मां के गर्भ में आना तो हाथी पांव से, कुछ लोग कहेंगे कि सर कमल का फूल, नहीं वो किताब पूरा डिटेल नॉलेज नहीं दी है, जहां जैसे आप पढ़े तो मां के गर्भ में आना है हम किससे इंडिकेट करते हैं, मां के गर्भ में आना इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम, हाथी पांव से। तो जब महिला गर्भवती होती है कहा जाता है ना पांव भारी हो गया, तो भगवान थे 10-15 किलो थे हमको लगता है। जन्म को
कमल फूल से इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार थे। यौवन को सांड से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मनुष्य जब जवान होता है तो खुला सांड की तरह होता है। जब इन्होंने घर छोड़ा तो किसके साथ छोड़ा? गृह त्याग घोड़े के साथ किया, कंथकवक साथ छोड़े थे ना। इनको ज्ञान किस पेड़ के नीचे मिला? पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। इनके उपदेश को क्या कहा गया? चक्र कहा गया। और इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? स्तूप या पदचिन्ह। मतलब जब लोग मर जाते हैं, अच्छे पुरुष लोग कहते हैं ना, उनके नक्शे कदम पर चलिए, तो वही था। तो यहां पर आपको देखिए, अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर यहां पर भी गृह त्याग है, तो क्या अगर महाभी निष्क्रमण और घोड़ा दोनों रहा तो क्या करेंगे? एग्जामिनर है वो, भंगेड़ी नहीं है वो। जब एग्जामिनर कभी भी एक साथ ऐसे सवाल नहीं बनाएगा, वो बनाएगा या तो इधर से बनाएगा या तो इधर से बनाएगा। और यहां पर कुछ बातें हैं जो कि हमारी भाषा में कुछ और हैं और पाली भाषा में कुछ और हैं। जैसे गृह त्याग, गृह त्याग को महाभी निष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण मतलब होता है दिए का बुझ जाना। किस दिए का? अंधकार के दिए का, अज्ञानता के दिए का बुझ जाना। जब इन्होंने उपदेश दिया तो लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने लगे, इसलिए उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये जब मरे ना, ये मरे तो ये भगवान थे, मरे तो परियां लेने आई थी इनको, तो इसीलिए इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। आज की डेट में पिछले एक दो साल से यूपी में जो भी वनडे एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैं देखा हूं कि यहां से इन दोनों पोर्शन से आपको सवाल बना देता है। ठीक, अब गौतम बुद्ध चल बसे, सब हो गया इनका, यह सब हो गया, परिवरी निर्माण उमाण सब करवा लिए। अब बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा कैसे? मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, मैं एसआई को पढ़ा रहा हूं, और इसमें कोई आईएएस वाला कमेंट मत कर देना। अगर आईएएस वाला एसआई का देख रहा है क्लास तो रिवाइज कर देख रहा है, अच्छा। अगर वैसे देख रहा है तो फिर आईएएस नहीं पढ़ रहा है वो। देखिए भैया, बुद्ध तो चले गए, अब फेसबुक व्हाट्सएप था नहीं, फोटो वोटो बनती नहीं थी उस समय, अब आगे कैसे काम चलेगा? तो जो इनके समकालीन राजा महाराजा होने लगे वो संगीतियों का आयोजन कराने लगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा हेलो अनिल अंबानी जी, पहली बात तो फोन नहीं उठाएगा, हेलो अनिल अंबानी आप मेरे घर आ जाइए, पचासन गाड़ी खाएंगे हम उसके पीआरओ से पहले। अगर वहीं पर अगर मोदी ने कहा तो पक्का चले जाएंगे। तो अगर एक आम व्यक्ति बहुत संगीति कराता तो शायद उतनी भीड़ या उतना अच्छा चीजें नहीं मौजूद कर सकता जितना राजा। इसीलिए क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को हर स्तर तक जीवित रखने के लिए जैन संगीतियों का आयोजन होना चालू हुआ। और किताबों के अनुसार 4 जैन संगीतियां हुई, लेकिन गौरव पांडे के अनुसार 5 जैन संगीत, किताबों के अनुसार 4 बौद्ध संगीतियां हुई और किताबों और मेरे अनुसार 5 बौद्ध संगीतियां हुई। 5वीं बौद्ध संगीति भले महायान शाखा की थी लेकिन वो बौद्ध संगीति मानी जाती है। बौद्ध संगीति में सबसे बड़ी जो खास बात हुई, इसी समय सुत पिटक, विनय पिटक, अधम पिटक की रचना हुई, और इसी समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो यह भी जरूरी है, तो इसका एक बढ़िया सा चार्ट बना लेते हैं, वहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, नोट्स अगर आप खुद बनाते हैं तो आप बहुत परफेक्ट इंसान हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम नोट्स कहीं और से पढ़ लें तो भैया किताबें खरीदे कौन, पढ़ लीजिए। ठीक है, स्थान किस राजा के नेतृत्व में हुआ था, अध्यक्ष कौन था और परिणाम क्या हुआ। हर कार्य का कुछ ना कुछ परिणाम होता है, यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ? राजगृह में। राजगृह में एक गुफा था, उसी गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा था।
नेतृत्व आजाद शत्रु। इस समय जो अध्यक्ष थे उनको बहुत ज्ञान था, महान ज्ञान था बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो अध्यक्ष में वो थे महाकश्यप। और इसमें परिणाम क्या हुआ कि भाई अब गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए हैं और उनके धर्म में कैसे रहना उसको कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो वही आनंद जो लड़की शामिल वो महिलाओं को शामिल करवाया था, तो इस समय सुत पिटक मतलब आनंद ने और विनय पिटक उपाली ने, तो सुत पिटक और विनय पिटक की क्या हुई रचना हुई। ये था पहली बौद्ध संगीति। दूसरा 100 साल बाद हुआ 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। किसके नेतृत्व में? कालाशोक के। तो कालाशोक ने कहा सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, नहीं तो सबको हम कालाशोक कर देंगे। तो जो अध्यक्ष हुए वो थे सब्बा कामी या सब्बा कामी। इस समय का महत्व जो है स्थावीर और महासंगिक हुआ बौद्ध धर्म, जो आगे चल के हीनयान और महायान बनेगा, तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले सिलेबस को जानना है तब पढ़ना है, ऐसे तोते की तरह क्या रट लेंगे हम लोग। तीसरे की डेट कंफर्म नहीं है, 255, 251, 249 सब मिलता है, इसलिए इसका डेट नहीं पूछा जाता है। यह हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के। तो अशोक ने कहा कि बहुत हो गया, जंगल जंगल पता चलेगा कि बौद्ध धर्म था। तो इसीलिए जो इसके जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए। तो इसके जो थे वो थे मोगली पुत्र तिस। और इस समय जो ग्रंथ की रचना हुई वो था अधिधम्म पिटक की रचना। चौथा 98 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 102 ईस्वी में नहीं, प्रथम शताब्दी तक। मतलब हमको लगता है कैसे लोग किताबियां ऐसे लिख देते हैं और लिखते हैं 102 ईस्वी प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी मतलब 0 से 99 ही तो हुआ। ये हुआ था कुंडल वन में, क्योंकि पहले के राजा कुंडल पहनते थे, कुंडल वन में हुआ था कश्मीर में। किसके नेतृत्व में? कनिष्क के। कनिष्क ने कहा यार अकेले एक आदमी नहीं संभाल पाएगा, इसलिए दो लोग रहेंगे। तो इसमें एक अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। और इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, दो संप्रदाय में। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। इसको बताएंगे अगली क्लास में, हीनयान महायान एकदम ट्रिक से पढ़वा देंगे आपको। अब ये जो आखिरी वाला है जो गौरव पांडे ने निकाला है, गौरव पांडे ने निकाला है, वो एक जगह पूछा गया था, वहां से लेके आया हूं। जो पांचवी हुई थी, पांचवी 646 ईस्वी में हुआ था कन्नौज में, शासक था हर्षवर्धन और अध्यक्ष थे वैनसा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, तो महायान शाखा की, तो महायान शाखा से रिलेटेड एक संगीति की गई थी हर्षवर्धन शासनकाल में। तो वही उसी को मैं पांचवी बौद्ध संगीति पूछा गया सवाल SSC में एक बार आया था कि पांचवी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में, तो वहीं से मैंने वो पॉइंट निकालकर आपके नोट्स में डाल दिया। तो ये कुछ प्रमुख बौद्ध संगीतियां थी, क्योंकि फिर कनिष्क शासनकाल के बाद मूर्ति वगैरह बनना चालू हो जाएंगी, किताब वगैरह हो गई, तो इसी की वजह से बौद्ध धर्म का अस्तित्व बरकरार रहा और हमेशा ये आगे चलता रहा। तो ये था आज की क्लास में आपको बौद्ध संगीतियां और गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ बातें। अगली क्लास में हम इन दोनों संप्रदायों के बारे में और ये ग्रंथों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, तो हम आपसे फिर से कहते हैं होली के लिए आपको फिर से शुभकामनाएं दे देता हूं, जो बीत गई अगली होली आपकी वर्दी के साथ हो। अच्छे से पढ़िए दोस्तों,
देखिए नौकरी पाकर आप हमें कुछ नहीं देंगे, जो देंगे वो खुद को देंगे, बस हमें कभी मिलेंगे तो अगर नमस्ते कर देंगे या देख के मुस्कुरा देंगे तो इज्जत ही हमारे दिल में हमेशा बरकरार रहती है। तो मेहनत से पढ़िए, देखिए मेहनत के आगे सब झुक जाते हैं, पर कभी कभार होता भी है कि मेहनत करने वालों को भी नहीं मिलता है, तो वो लक होता है, उस समय अपने रास्ते बदल देना चाहिए। और मेरी मुलाकात फिर आपसे होगी, और मैं गुरु द्रोणाचार्य नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, गुरु द्रोणाचार्य बाकी सब लोग हैं, और आप मेरे एकलव्य नहीं, आप भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये बैच एकलव्य है और आपको एकलव्य की तरह मेहनत करनी है। तो हम फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी, और मुस्कुराते रहिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।